जीबीटी 100% मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। अगर मैंने जिस तरह से आपको समझा उस तरह से चेक करके इसका कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक दोस्तों, आप इंडक्शन रिपेयर करते हो और आईजीबीटी आप जब लगाते हो तो बार बार ये शॉर्ट हो जा रहा है। एक दो सेकंड चलते हैं उसके बाद ये आईजीबीटी जो है बार बार ये शॉर्ट हो रहा है और आपका लॉस हो रहा है। तो हाँ दोस्तों, आज के बाद आपका कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। आज मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जो ट्रिक्स आप अगर पूरा वीडियो को देख लोगे तो कभी भी आपका इस आईजीबीटी में लॉस होने वाला नहीं है। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा ये ट्रिक्स, इस आईजीबीटी को लगाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया। आज पहली बार मैं आपको कुछ ट्रिक्स मैंने बताने वाला हूँ, उसके बाद आप आईजीबीटी लगाइएगा तो आपका कभी भी आईजीबीटी नहीं जलेगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके हम अपना काम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं आपको कि आईजीबीटी चेंज करने से पहले आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। आपको वो चीज़ ज़रूर चेक करना है, नहीं तो आप जो है आपका जो आईजीबीटी है बार बार लगाओगे और बार बार ये आईजीबीटी जो है शॉर्ट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो आईजीबीटी लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो हम बताएँगे फ्रेंड्स। तो लास्ट वाला जो हम बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको शुरू से देखना है, क्योंकि फर्स्ट वाला देखना है। अगर फर्स्ट वाला नहीं देखोगे तो लास्ट वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वाला आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया, आज मैं पहली बार आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने ये खुद ट्राई किया और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि दूसरे लोगों का हेल्प हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका आईजीबीटी जो है इंडक्शन कुकर में आईजीबीटी ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया, तो आप चेंज करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले तो आईजीबीटी को रिमूव कर देना है किट से। यहाँ पर लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हो, आईजीबीटी को बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद आपको वोल्ट चेक करना है। यहाँ पर जो थ्री लेग का होता है आईजीबीटी, आप देख सकते हो, ये आईजीबीटी थ्री लेग के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर है कि आपको यहाँ वोल्ट चेक करना है। कैसे चेक करना है? तो आईजीबीटी का थ्री लेग होता है, तो आप सीधा करके आईजीबीटी को पकड़ोगे तो ये जो राइट साइड वाला लेग है इसका एमिटर होते हैं, और बीच वाला जो है ये कलेक्टर होते हैं, और ये लेफ्ट साइड वाला जो लेग है ये गेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो बीच वाला लेग है कलेक्टर में जो इनपुट लाइन होते हैं उसे लगभग 100 वोल्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर होते हैं। जैसे कि आप अगर 200 वोल्ट देते हैं तो लगभग यहाँ पर 300 वोल्ट तक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेना है फ्रेंड्स, और मल्टीमीटर को डीसी के रेंज पर रखना है। देखिए यहाँ पर आप 1100 वोल्ट के रेंज पर आपको रखना है, और आपको जो ब्लैक वाला लीड है मल्टीमीटर का, तो यहाँ आप देख सकते हो जो एमीटर है, एमीटर में डायरेक्ट जो नेगेटिव वोल्ट होते हैं जो डायोड का रेक्टिफायर होके, अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। तो यहाँ रेक्टिफायर होके नेगेटिव वोल्ट आते हैं डायोड से, तो यहाँ पर आपको ये नेगेटिव वाला लीड को लगाना है मल्टीमीटर का। और आपको क्या करना है, जो रेड वाला लीड है मल्टीमीटर का, तो इस बीच वाला कलेक्टर में आपको वोल्ट चेक करना है। तो जितना वोल्ट आप इनपुट दिए हो उससे कम से कम 60 से 70 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट लगभग 250 से 300 तक आना चाहिए, यहाँ पर आपको वोल्ट चेक कर लेना है। ये हुआ कलेक्टर पिन, क्योंकि कलेक्टर पिन पे ये वोल्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है गेट, इसमें कोई भी वोल्ट नहीं आना चाहिए, एक दो वोल्ट भी नहीं यहाँ पर आना चाहिए। लीड को एमीटर पर लगाओगे और कलेक्टर पर रेड लीड को लगाओगे तो आपको 250 से 300 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर गेट पे वोल्टेज आ जाते हैं तो ये आपको आईजीबीटी नहीं लगाना है। उससे पहले आपको कुछ करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। चलिए, ये है डायग्राम, तो आप देख रहे हो यहाँ पर फ्यूज होके, देखिए यहाँ पर एसी इनपुट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज होके, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको फिल्टर करते हैं, मतलब लाइन को, मेन लाइन एसी लाइन को फिल्टर करते हैं। और फिर यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, जो डायोड यहाँ पर है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, आप देख सकते हो यहाँ पर हीट सिंक के साथ कसा हुआ है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ये डायोड है रेक्टिफायर डायोड, तो ये बीच वाला जो लेग है यहाँ पर एसी इनपुट होता है। देखिए ये इनपुट होता है एक और दो, दोनों बीच वाला में एसी इनपुट होता है। ठीक है, और देख सकते हो आप यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस जो है ये फिल्टर होके, मतलब रेक्टिफायर होके ये देख सकते हो, एक ये माइनस वोल्टेज आप देख सकते हो रेक्टिफायर होके ये डायरेक्ट एमीटर पे जाता है,
किस में जाते हैं, ये जो IGBT है IGBT के एमिटर पे जाते हैं, इस लेग पे, ठीक है, राइट साइड वाला लेग पे जाते हैं, अब देख सकते हो। और कलेक्टर वोल्टेज आपको मैं दिखाता हूँ, इसका जो कलेक्टर वोल्टेज है देख सकते हो, यहाँ पर कलेक्टर है और एक कॉयल है, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ जो पॉजिटिव डायोड का जो पॉजिटिव है आप देख सकते हो, यहाँ पर रेक्टिफायर होकर डायरेक्ट पॉजिटिव एक कॉयल के द्वारा, यहाँ कॉयल लगा हुआ है आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉयल लगा हुआ है, इस कॉयल के द्वारा ये डायरेक्ट चला जाता है कलेक्टर पे, अब देख सकते हो। तो कलेक्टर पे ही सिर्फ वोल्ट मिलना चाहिए, जब आप मल्टीमीटर को एमीटर पे लगाओगे, ये नेगेटिव वोल्ट है देख सकते हो रेक्टिफायर होके, और कलेक्टर पे लगाओगे तो वोल्ट आपको लगभग 250 से 300 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन गेट आप देख रहे हो गेट पे कोई भी वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। यह हुआ राइट लेफ्ट साइड वाला जो लेग है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी वोल्टेज यहाँ पर मिल जाता है तो आपको यहाँ पर लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हो, यहाँ पर 80-50 का ट्रांजिस्टर है और 85-50 का ट्रांजिस्टर होगा शायद, तो आपको देख लेना है जो भी नंबर का है, ये चारों ट्रांजिस्टर आपको चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर गेट पर वोल्ट आ रहा है, इस गेट पर अगर वोल्ट आपको आ रहा है, कोई भी वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट या कुछ भी वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो चुका है, ये चारों ट्रांजिस्टर को आपको चेंज कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है। फिर चेंज करने के बाद फिर से वोल्ट चेक करना है आपको, और IGBT के गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो गया, ये काम होने के बाद आपको क्या करना है, अभी भी आपको IGBT नहीं लगाना है, आपको सिर्फ चेक करना है। सो फ्रेंड्स, गेट पर कोई भी वोल्ट नहीं है, सिर्फ कलेक्टर पर मिल रहा है, एमीटर और कलेक्टर पर चेक करने पर सिर्फ कलेक्टर पर मिल रहा है वोल्ट और गेट पर नहीं मिल रहा, फिर भी आपको जो है IGBT अभी भी नहीं लगाना है। कुछ बात ज़रूरी है आपको, वो मैं बताऊंगा लास्ट में, मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको IGBT उड़ने का। और दूसरा कारण मैं बताता हूं फ्रेंड्स, अगर आपका इंडक्शन है, अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, मतलब 10 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है, जो एक मीटर होते हैं, मैं अभी आपको दिखा देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इंडक्शन को चलाओगे तो ये 5 से 7 तक आना चाहिए एम्पियर, ठीक है, यहाँ 10 एम्पियर के ऊपर नहीं आना चाहिए, 10 एम्पियर के नीचे ही रहना चाहिए। अगर 10 एम्पियर के ऊपर आ जाएगा तो क्या है, आपका IGBT जल्दी शॉर्ट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, तो क्या करना है, अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है तो आपको क्या करना है, मैं अभी बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है, तो इस प्रीसेट को घटा बढ़ा के आपको देख लेना है कि किधर घुमाने पर ये कम हो रहा है, तो आपको जो इसका एम्पियर है, एम्पियर आपको 7 से 8 एम्पियर ही रखना चाहिए, उससे नीचे रहेगा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 10 एम्पियर के नीचे रहना चाहिए, 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इससे आप एम्पियर को कम कर सकते हो और जो है आपका IGBT शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा कारण बताते हैं, तीसरा कारण जो है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो डायोड लगा, ये जो रेक्टिफायर डायोड है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ये डायोड अगर लीकेज रहते हैं, ख़राब रहते हैं, तो भी जो है IGBT शॉर्ट हो जाता है, तो आपको इसका जो डायोड को भी आपको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला जो कारण बताऊंगा आपको, जो IGBT सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप जैसे ही IGBT को लगाते हो तो 1-2 मिनट में ये IGBT फूक जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो हम लास्ट वाला आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया, मैंने ट्राई किया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका मैं नंबर आपको अभी बता देता हूँ, इसका नंबर 0.33 UFD 1200 वोल्ट DC, ठीक है, DC 12 वोल्ट, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो 0.33 UFD 1200 वोल्ट DC ये लगा हुआ रहता है, यहाँ पर पैरालल में लगा हुआ है, ठीक है, ये इंडक्शन कॉयल जो है ये, ठीक है, तो इसका पैरालल में लगा हुआ आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये। तो आप जब भी IGBT को चेंज करोगे, इसको आप चेक करने का सिस्टम मैंने दूसरा वीडियो में बताया, लेकिन आप चेक करोगे इसको तो सही बताएगा, लेकिन IGBT आप लगाओ तो बार बार शॉर्ट हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैंने ट्राई किया हूँ, इसको मैंने चेक किया था और ये जो है सही बता रहा है चेक करने पर, लेकिन IGBT बार बार शॉर्ट हो जाता है,
तो आपको क्या करना है, जब भी आप IGBT चेंज कीजिएगा तो IGBT के साथ इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो आपका IGBT जो है बार बार शॉर्ट हो जाएगा, अगर ये ख़राब हो गया तो। लेकिन इसको आप चेक करोगे, चेक करने का तरीका भी मैं दूसरा वीडियो में बताया हूँ, लेकिन चेक करने के बाद ये सही दिखाएगा लेकिन IGBT शॉर्ट हो जाएगा। मैंने खुद ट्राई किया दोस्तों, इस तरह से बहुत बार ऐसा हुआ कि ये ठीक बता रहा है, सही बता रहा है चेक करने पर। इसे किस तरह से चेक करते हैं मैं दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चेक करने के बाद सही बता रहा था, फिर भी IGBT बार बार एक दो सेकंड में ही फूक जाते थे। तो ये जो है इसका दाम ज़्यादा नहीं है, आप जब भी IGBT चेंज कीजिएगा, मैंने जो पहले बताया वो कर लीजिएगा, पहले वोल्ट मेजर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर IGBT लगा हुआ रहता है, तो आप कलेक्टर बीच वाला पिन है, सिर्फ कलेक्टर पर ही वोल्ट आना चाहिए, गेट पे कोई भी वोल्ट नहीं आना चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है। अगर वोल्ट आ रहा है तो आपको ट्रांजिस्टर चेंज कर देना है, यहाँ पर आप लगा हुआ देख सकते हो, ये चारों ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है। और ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद अगर सब कुछ सही है फिर भी आपको क्या करना है, ये वाला जो कैपेसिटर है इस PF को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो लगा हुआ रहता है इसका, इसको आपको चेंज कर देना है, जहाँ पर कॉइल लगा हुआ रहता है उसके पैरेलल में लगा हुआ है, इसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको किसी ने नहीं बताया इस तरह का वीडियो में, ठीक है, यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया, हमको पता है। तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा, आपका IGBT 100% मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। अगर मैंने जिस तरह से आपको समझाया उस तरह से चेक करके इसको चेंज करके IGBT को चेंज करोगे तो आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।